हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इन्वास टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो इसके अंदर हम एनवारेंटल uh, पोल्यूशन के अंदर हम एयर को डिस्कस कर चुके वाटर को डिस्कस कर चुके आज हमें डिस्कस करना है लैंड पोल्यूशन को तो जो सबसे पहला पार्ट है लैंड पोल्यूशन का तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लैंड पोल्यूशन होती क्या है लैंड पोल्यूशन मतलब कि जमीनी आलूगी जमीनी आलूदगी किस वजह से फैलती है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है आज हम इसके अंदर ये इस सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि जमीनी आलूगी मीन के अनवांटेड चेंज इन द लैंड जो हमें चेंज हो जाता है जमीन के अंदर जो पोल्यूशन की वजह तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनका जो केमिकल्स है उनका जो वेस्ट है, है उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है ठीक है उसको जो डिस्पोजल है उसको सही तरीके से नहीं किया जाता उसको ओपन लैंड में फेंक दिया जाता है तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तरह वो सारा केमिकल्स उनका वेस्ट अगर वो ओपन लैंड के ऊपर डिस्पोज कर देंगे उसको सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो लैंड पोल्यूशन तो वजह बनेगी बनेगी तो उस चीज का नुकसान भी ये देखें ये होता है कि उसके जो हैवी केमिकल्स होते हैं मेटल्स होते हैं वो जमीन के ऊपर सीप डाउन कर जाते हैं उन केमिकल्स की के वजह से और डिफरेंट ज़मीन की जरखीज़ी ख़त्म हो जाती है फिर वो एयर पोलूशन की भी वजह बन सकते हैं और लैंड पोलूशन तो फिर है ही है उसके बाद उनके जितना भी गार्बेज है उसके बाद हमारे ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट को भी अगर हम ओपन एरिया के अंदर डिस्पोज कर देंगे तो डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर कुछ छिलके हैं कोई आलू के शॉपर्स हैं शॉपिंग बैग्स हैं और बहुत सारा कचरा वगैरह होता है टीन पैक्स बॉटल्स प्लास्टिक अगर हम इन सबको ओपन एरिया में फेंकेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह लैंड पोल्यूशन हर जगह गंदगी गंदगी होगी तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह की गंदगी होगी फिर फैक्ट्रीज का डिस्पोज होगा ठीक है और इससे जो होने वाले असरात उनके अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं सबसे पहले आपको पता है जहाँ पे भी गार्बेज होगा वहाँ पे सबसे जो ह्यूमन आईसीज देखे जाने वाली चीज़ है बैक्टीरिया वायरसेस तो होते ही होते हैं उसके जो फ्लाइज होते हैं मक्खियाँ होती हैं ठीक है उससे तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं मक्खियाँ होती हैं और दूसरे कीड़े वगैरह उससे पैदा होते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ का कॉज बनती है तो इसी से हमें बचना चाहिए ठीक है ये होती सारी लैंड पोल्यूशन तो ये फैक्ट्रीज़ की वजह से होती है डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से होती है इसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई जगह बनाए जहाँ पे पूरे पूरे गाबेजिस को सीप डाउन ना किया जाए सिर्फ उसको ठिकाने अच्छे से लगाया जाए ताकि इसका नुकसान कम से कम हो तो इसका बेहतरीन तरीका जो ये है कि इसको ज़मीन के अंदर ओपन गड्ढा खोदा जमीन में डाल दिया और फिर ख़त्म दैट्स नॉट ठीक है इस तरह नहीं करना चाहिए तो उसका अच्छा हल ये नहीं है इसका सोल्यूशन प्रॉपर ये है कि जहाँ पर इसको क्योंकि अगर उसके अंदर छोटा सा भी केमिकल हुआ वो ज़मीन के अंदर रिस रिस कर सीप डाउन कर जाएगा और हमारे वाटर टेबल को जाके खराब करेगा जब वो वाटर टेबल को जाके ख़राब करेगा वही वाटर टेबल हमने यूज़ करना होता है तो उससे लैंड पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी हो गई तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें चाहिए एक कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाए नीचे भी और उसके चारों तरफ ठीक है मोटी दीवार बनाई जाए कंक्रीट की उसके अंदर पूरे सिटी के केमिकल्स के को और पूरी इंडस्ट्री के केमिकल्स को डिस्पोज किया जाए वो तो उसको कवर करके ऊपर से मट्टी डाल दी जाए इससे ये फायदा होगा कि आसपास वाली जो ज़मीन है वो खराब नहीं होगी वाटर टेबल में के अंदर कुछ केमिकल्स की मिक्सिंग नहीं होगी और जो उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं पेस्टिसाइड्स भी तो इतने सारे बनते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बेसिकली टू किल द पेस्ट क्या होते हैं हरात को मारने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होते हैं उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं अब उसका बेजा इस्तेमाल हद से ज्यादा इस्तेमाल दो तरह के नुकसान करता है एक केमिकल्स जो हषरात को मारने के लिए लगाया कुछ बच्चा केमिकल जमीन के अंदर लग गया जमीन के अंदर के वो केमिकल्स रह गया पौधों ने उनको एब्जॉर्ब कर ला जमीन के अंदर रह गया तो लैंड पोलूशन की कॉज बन गई जो वहां पर उगने वाले प्लांट्स हैं छोटे छोटे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर जब वो पेस्टिसाइड का केमिकल लगेगा तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो उनके फ्रूट के अंदर रह जाएगा उनके प्लांट्स के अंदर रह जाएगा जब वो फ्रूट्स पोल्यूटेड फलू फ्रूट्स जब हम खाएंगे तो उसका नुकसान हमें होगा वो उनके प्लांट्स के जो पौधे हैं कुछ चारा वगैरह जब उग रहा होता है जब वो पेस्टिसाइड्स उगाया जाएगा तो, तो उस पेस्टिसाइड्स के अंदर उस फ्रूट के अंदर उस चारे के अंदर जब वो केमिकल्स रह जाएंगे जब वो जानवर खाएंगे उनको भी वो नुकसान देंगे उनकी बॉडी के अंदर ही केमिकल्स चले जाएंगे उनके दूध के अंदर वो केमिकल्स चले जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान किसको है ह्यूमंस को ठीक है क्योंकि एनिमल्स को नुकसान है प्लांट्स को भी नुकसान है उसके साथ लैंड को भी नुकसान है उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान तो हमें ही आएगा ना क्योंकि सारे के सारे केमिकल जो उस केमिकल से प्रोड्यूस होने वाला फ्रूट है वो हमने खाना है एनिमल्स खाने के एनिमल्स को फिर हमने खाना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नुकसान हमें ये इस चीज से हमें बचना चाहिए ठीक है उसके अलावा इसके अंदर स्किन कैंसर स्किन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन जिन एरियाज में जिन जहाँ पर लैंड की पोल्यूशन होती हैं वहाँ के एरिया वहाँ के लोगों को और स्किन का कैंसर होता है और स्किन की बहुत सारा बीमारियाँ होती हैं और उसके बाद जो फ्लाइज़ होते हैं फ्लाइज वो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये बेसिकली उनका औरिजिन है जहाँ पर गाबेज होगा जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर आपने देखो मक्खियाँ होती हैं वहाँ पर अच्छे से नशो नुमा पाती हैं उनको न्यूट्रिशमेंट मिलती है वहाँ से वो उड़ फिर हमारे पास आती हैं वही तरह तरह की बीमारियाँ फिर हमारे पास आती है हमें लग जाती है हमारे कुछ खाने के बर्तनों में बैठेंगी फ्रूट्स के ऊपर बैठेंगी डिफरेंट चीज़ों पर बैठेंगी खाने की चीज़ों पर बैठेंगी तो उसका सारा का सारा नुकसान जब वो बाद में हम खाएंगे तो इंसानों को नुकसान है तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए डिस्पोज मैंने आपको बता दिया कि सबसे अच्छा हाल यही है उनके केमिकल्स को अच्छे से डिस्पोज़ करना चाहिए सबसे पहले फैक्ट्रियों का ये तरीका होना चाहिए फैक्ट्रियों के ऊपर लागू होना चाहिए कानून कि वो सबसे पहले इस केमिकल्स को उस कचरे को सबसे पहले ट्रीट करें ट्रीट करने के बाद उसको फिर अच्छे से डिस्पोज करें डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये किया चारो है चारों तरफ दीवार बनाए जमीन में भी दीवार बनाए मोटी कंक्रीट की ताकि वहाँ से केमिकल्स सीप डाउन ना कर